चेक किया जा रहा है, आईडी चेक की जा रही है, आवश्यक दस्तावेज ना हो तो उन्हें जाने दिया जा रहा है। लेकिन अब मैं आपको समाज के उन दुश्मनों से भी मिलाता हूं जिनको गांधीगिरी तरीके से यहां पर सीख दी जा रही है कि आप अगर गाड़ियों का जो नियम है उनको पालन नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या किया जाएगा। ये वो है जिन्होंने ट्रैफिक वायलेशन किया, यहाँ पर कोई जरूरी काम नहीं था फिर भी बाहर निकले और उसके बाद में यहाँ पर इनके साथ गांधीगिरी तरीके से इनको समझाइश की जा रही है। हाथ में एक तरह का पोस्टर आप देख सकते हैं जिस पर लिखा है मैं समाज का दुश्मन हूँ, मैं बिना काम के बाहर घूमूंगा, मेरी समाज में लोक कल्याण में कोई भागीदारी नहीं है, इस तरह का ये मैसेज इनके जरिए दिया जा रहा है। इसी तरह और नियम तोड़ने वाले लोग जिन्होंने ये कहा है कि मैं समाज का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, मैं अपने घर पर नहीं रहूंगा, नहीं मास्क लगाऊंगा, इस तरह के मैसेज जयपुर में दिए जा रहे हैं। इनसे बात भी करते हैं, समाज के दुश्मनी का काम कर रहे हैं आप, दुश्मन बन रहे हैं समाज का। बैंक में जाके आए थे क्या? बैंक में आज ही क्या काम था? आज बैंक तो कोई काम नहीं कर रहा, बैंक में पैसे जमा कराने गए थे, हो गए जमा, लेकिन फिर भी बिना रसीद आप मेडिकल काम से आप बाहर जा सकते हैं, आपने मास्क नहीं लगा रखा फिर भी सड़कों पे घूम रहे हैं। मास्क लगा रखे थे, बैठवा दिया, मास्क नहीं था आपके पास में, और भी पुलिस कर्मियों ने जिनको रोका है, क्या क्यों रोका है आपको? ये मास्क नहीं लगा रखे इसकी वजह से और घूम रहे थे इसकी वजह से। क्यों घूम रहे थे जब मना कर दिया सबने आपको, नहीं घूमना है, मीडिया आपको जानकारी दे रहा है, फिर भी आप इस तरह का काम कर रहे हैं? इसके लिए ही गए थे और आज के बाद नहीं जाएंगे, कभी भी ऐसा काम ही नहीं करेंगे। दूसरे लोगों को क्या सीख देंगे? दूसरे लोगों को यही सीख देंगे कि घर से बाहर नहीं निकले, और निकले जरूरी काम हो तो ही निकले मेडिकल के लिए, बैंक में पैसे जमा करवाने भी कोई अति आवश्यक नहीं है इतना। देखिए आवश्यक ना हो तो घर से ना निकले, ये गांधीगिरी तरीका है जिससे इनको सीख भी मिल गई है। खुद अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे और दूसरों से भी अपील कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह का गांधीगिरी का तरीका यहाँ पर ये मानसरोवर इलाका है जहां पर पुलिसकर्मी अपनाते हुए सभी को रोक रहे हैं, इस तरह का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और लोगों की भी तस्वीरें एक बार जल्द से जल्द आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से और जिन्होंने ट्रैफिक का वायलेशन किया है उनको किस तरह से रोककर इसी तरह से मैसेज हाथ में ये पकड़ा कर देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। मास्क भी नहीं लगा रखा आपने, इतनी जेब में मास्क रखते हैं, अरे यार हद हो गई, क्या क्या मास्क नहीं लगा रखा आपने? बिना मास्क के देखिए चेहरे पर वो मुस्कान, नियम तोड़ने के बाद में भी इस तरह की यहाँ पर ये हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। ये साफ तौर पर यहाँ पर दर्शाता है कि किस तरह से राजधानी में लॉकडाउन है लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। लेकिन पुलिस ने भी एक अच्छा तरीका अब यहाँ पर निकाल लिया है कि पुलिस ने समझाइश के जरिए गांधीगिरी तरीके से यहाँ पर लोगों को पालन करने की बात कही है। सुनील जी क्या किस तरह से ये गांधीगिरी तरीका आप अपना रहे हैं यहाँ पर? कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से पिछले 2-3 दिनों से ही लोगों को काफ़ी समझाइश की गई, जब समझाइश पर नहीं माने हैं तो लोगों को समझाने के लिए ये प्रयास किया गया है कि उनको खुद ही महसूस हो कि वो लोग समाज के लिए गलत मैसेज दे रहे हैं, इसलिए इस प्रकार का प्रयास किया गया है। क्या कुछ लोग समझ पा रहे हैं, कुछ लोगों में वापस इस आपको